हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ छोटा सा रिव्यू किसान के मिक्स फ्रूट जैम का। अगर बॉटल की बात करें तो कुछ इस तरीके की बॉटल में आता है किसान का मिक्स फ्रूट जैम। जो बॉटल मैंने लिया छोटी बॉटल है। अगर आपके घर में काफ़ी ज़्यादा जैम कंज्यूम होता है तो आप इसकी डिफरेंट पैकिंग्स को यूज़ कर सकते हैं। बड़ी पैकिंग भी इसके अंदर आती है, थोड़ा जैम खाते हैं, थोड़ा जैम कंज्यूम होता है तो छोटे इस पैकिंग को भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऊपर की तरफ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मेंशन करी गई है इसके प्राइस की। प्राइस जो है इसका 68 रुपीज़ है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे किसान की ब्रांडिंग ऊपर करी गई है और सिंस 1934 यानी कि एक बहुत पुराना ब्रांड है। किसान का जैम तो नाम से ही बिकता है, तो काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। और इसमें यह मेंशन किया गया कि 100% इसमें फ्रूट्स का यूज़ किया गया है इसको बनाने के लिए, तो ये एक अच्छी चीज़ मेरे को इसके अंदर लगी। और इसके साथ साथ यहाँ पे कौन कौन से विटामिन आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, विटामिन ए मिल जाता है, बी मिल जाता है, जिंक मिल जाता है, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको बॉटल के ऊपर ही मिल जाती है। और पर सर्विंग जो ये विटामिन वगैरह की इन्फॉर्मेशन दी गई है, पर सर्विंग दी गई है 15 15 ग्राम के अंदर। तो पर सर्विंग 15 ग्राम के अंदर आपको 43 किलो कैल मिल जाती है और 2% जीडीए मिल जाता है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन करी गई है। हालांकि दूसरी कंपनी के भी मेरे पास, मैं काफी ज्यादा जैम खाता हूँ, काफी ज्यादा जैम्स यूज करता हूँ, तो सेम ही इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन जो इसमें इन्फॉर्मेशन की प्रिसाइसनेस है, काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जाती है कंपनी की तरफ से, जो इसको एक ट्रस्टवर्दी ब्रांड बनाती है। पीछे की तरफ यहाँ पे कंज्यूमर केयर वगैरह के नंबर दिए जाते हैं। टोटली एक वेजिटेरियन प्रोडक्ट है ये मेंशन किया गया यहाँ पे, ये मेंशन किया गया है। इसके साथ साथ इसके इंग्रेडिएंट्स की जो लिस्ट है वो सारी की सारी मेंशन करी गई है। आगे की तरफ ये बताया गया है मिक्स फ्रूट है, इसके काफ़ी सारे अलग अलग वेरिएंट्स भी आपको मिल जाते हैं। और जिस चाहे तो आप, अब अगर बात करें इसकी जो थिकनेस है अंदर से, किसान के जो जैम है बहुत अच्छे इसकी थिकनेस होती है और आप इसको ब्रेड वगैरह पे इजीली लगा सकते हैं, पराठे वगैरह के साथ खाएंगे तो बहुत ज़्यादा इंजॉय इसको आप कर सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी ब्रांड है, काफ़ी पुराना ब्रांड है, तो डेफिनेटली इसमें किसी भी तरीके के हेल्थ हैजर्ड की कोई प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं मिलती है। तो कुछ इस तरीके से था एक ये छोटा सा रिव्यू। मैं काफ़ी ज़्यादा जैम जैसे मैंने बताया यूज़ करता हूँ। फुल ब्लूम का भी आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास पूरा जैम का एक बॉटल रखा हुआ है। तो मैंने काफ़ी सारे जैम्स यूज़ करे हैं तो मेरे को ये जो जैम है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा किसान का, काफ़ी सारे जैम्स को यूज़ करने के बाद। तो कुछ इस तरीके से था इसका एक छोटा सा रिव्यू। दोस्तों, अगर आपके मन में किसान के जैम को लेकर कोई सवाल है, हमारे कमेंट सेक्शन पर जाकर आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।